है, लेकिन सुना है 2002-2003 में मैं 10th में था, मैंने इलाके के माहौल देखे हैं, मैं बिलोंग करता हूँ हमेशा से सिंगल से, मिलिटेंसी का दौर हमने भी देखा है, हमने भी झेला है, लेकिन जो काम आपने किया है वहाँ पे इंडियन आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, लेकिन हम लोगों को हमारे ही लोग खड़े किए और 1,000 रुपया देने का काम किया। कुछ लोग तो उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उन लोगों के खिलाफ थे। हुआ ये कि आप लोगों ने सबने मिलकर मिलिटेंसी को खत्म किया, आपने काम किया, लेकिन नाम किनका निकला जो ऑलरेडी परमानेंट है। वही बात है ना, हमें इस पे बहुत ज्यादा दुख है आपका। सुने सर, मुझे खुद भी अफसोस है कि हमारे जवान 1,000 रुपए के जम्मू में जाते थे, 3-3 दिन 10-10 दिन थके रहते थे, ये मैं जानता हूँ, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमारे घर के लोग भी इसमें हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपके ऊपर जो जैसे आपके सब इंस्पेक्टर साहब थे या SHO साहब थे, आज भी पुलिस में ऐसा काम होता है कि वो जो है कांस्टेबल हो SPO से उनसे काम करवाए जाते हैं। मैं जानता हूँ कुछ हालात की वजह से या कहीं आप न पहुंचे हों तो उसकी वजह से आपको जो है टर्मिनेट किया गया। मैंने ये भी सुना कि कुछ लोग आपके पास हैं जिन लोगों को कोर्ट ने जो है क्लीन चिट दी है कि नहीं, उसमें भी कुछ लोग हैं। अगर कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दी है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को आपका हुकूक मिल जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता है, हम जाएंगे, अभी हम प्रेस क्लब जाएंगे, वहाँ मीडिया होगी, जब तक ना आपकी बात मीडिया में आएगी यहाँ बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और रही बात आप अपने घरों को छोड़कर आएंगे, है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो हिम्मत करनी पड़ेगी, मुश्किलात तो आपके सामने आएंगे, लेकिन उनका डट के मुकाबला करना है। एक मिनट, देखो मेरी बात, मेरी बात सुने सुने, आपने मतलब डट के मुकाबला करना है, क्योंकि अगर आप, मैं जानता हूँ आप तो तन मन धन से आए, घरों को छोड़कर आए, बच्चों को छोड़कर आए अपने हुकूक को पाने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोताही करेंगे, यहाँ कोई मतलब एक्शन नहीं करेंगे, इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो आपकी आवाज कहीं नहीं पहुँचेगी। अब हम यहाँ से निकलेंगे, हम रुख करेंगे कहाँ, ये जो आप अपना यहाँ प्रेस क्लब है ना जीवल, वहाँ जाएंगे, वहाँ मीडिया होगी, हम उन लोगों से बात करेंगे, हम अपनी बात को आपकी बात को मिलकर ऊपर पहुँचाएंगे, ठीक है। और उसके लिए आप सबको तैयार होना पड़ेगा। इस तरीके से आपने मिलिटेंसी को खत्म किया, मैं जानता हूँ मिलिटेंसी को खत्म करने का काम आर्मी ने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, जब तक ना हमारे जवान, नहीं ये हकीकत में बोल रहा हूँ, ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ, जितना काम आप लोगों ने किया उतना शायद ही किसी फौज ने किया होगा।